नमस्कार। 20 मई को झारखंड में 32 कोरोना पॉजिटिव मामले, गढ़वा में अकेले 18 केस, कुल संख्या 280। झारखंड में बुधवार 20 मई को 32 मामलों की पुष्टि हुई है। झारखंड में एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामला निकलने वाला यह पहला केस है। आज गढ़वा से 18, कोडरमा से 5, हजारीबाग से 1, जमशेदपुर से 5, गिरिडीह से 2 और गुमला से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही झारखंड में संक्रमितों की कुल संख्या 280 हो गई। अब तक जमशेदपुर में कुल 11 संक्रमित हो गए हैं, वहीं गिरिडीह में कुल संक्रमितों की संख्या 12 हो गई है। वहीं एक मरीज स्वस्थ हो चुका है। गिरिडीह से मिले दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज जमुआ प्रखंड के हैं और दोनों प्रवासी मजदूर हैं। वो सूरत से हाल ही में लौटे थे। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने गिरिडीह के संक्रमितों की पुष्टि की है। वहीं जमशेदपुर में आज निकले 5 संक्रमितों में 3 पुरुष व 2 महिलाएं हैं। बता दें कि इनमें 3 मरीज गोविंदपुर के हैं, जो आपस में पति पत्नी और बेटी हैं। 10 मई को युवती अपने माता पिता के साथ दिल्ली से जमशेदपुर आई थी। गोविंदपुर में ये लोग 14 तारीख तक होम क्वारंटीन में थे। उसके बाद तीनों को MGM के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। वहीं चौथा मरीज गोलमुरी का है। यह व्यक्ति मुंबई से 18 मई को ट्रक से जमशेदपुर लौटा था और सीधे MGM चला गया था। वह अपने घर नहीं गया था और किसी के संपर्क में भी नहीं आया था। पांचवा मरीज मानगो का है। यह व्यक्ति 13 मई को बेंगलोर से टाटा आया था और सीधे MGM चला गया। इन सभी को TMH में दाखिल कराया गया है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।